नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मेरे साथ न्यूज एट द रेट 6। पुणे में खेले इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में मेरठ के सौरभ ने सिल्वर पदक जीतकर मेरठ का नाम रोशन किया। जैसे ही क्षेत्रवासियों को इसकी खबर मिली, क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। क्षेत्र के तमाम बड़े नेताओं समेत कई दिग्गजों का जमावड़ा सौरभ पहलवान के घर पर लगना शुरू हो गया। आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार युवाओं को तरह तरह के खेलों में आगे बढ़ने का मौका दे रही है। ऐसे में मेरठ के सौरभ ने पुणे में सिल्वर पदक जीतकर मेरठ का नाम रोशन किया है। आगे बढ़ना चाहता हूँ। भिवानी में मौसम परिवर्तन के कारण किसी को राहत मिली तो किसी के लिए ये मौसम आफत भरा साबित हो रहा है, लेकिन इस मौसम से किसानों और वाहन चालकों को काफी हद तक लाभ मिला है। अचानक सूर्य का तेज और फिर अचानक सूर्य बादलों की गोद में चला जाता है। सूर्य की आंख मचोली कभी कभी तो एक नजारा बनकर आसमान में लालिमा बिखेर देती है, जो कि देखने योग्य नजारा होता है, तो कभी काली घटाओं में घिर जाता है सूर्य देव। इस सप्ताह उत्तर भारत के पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण दक्षिण भारत में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा और उत्तर भारत में मौसम ठंड का शुरू हुआ और इसके बाद जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हुई। ये गतिविधियां धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बढ़ेंगी। फिर 24 घंटे के अंतराल के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ बारिश और बर्फ की गतिविधियां शुरू होने का अनुमान है। 18 जनवरी से बारिश और बर्फ की गतिविधियां बढ़ेंगी और 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। 20 जनवरी को उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके में भी बारिश होने का अनुमान है। 20 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों और 22 से 24 जनवरी को उत्तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बारिश का अनुमान है, जिसका असर दक्षिण हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कभी बादल छा जाते हैं तो कभी सूर्य की लालिमा आसमान में छा जाती है। लोगों ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद मौसम ने अलग सी करवट ली है। कभी आसमान में काले घटाओं के साथ बादल छा जाते हैं तो कभी एकदम से सूरज की तपन शुरू हो जाती है। जीव जंतु के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं भिवानी में चिकित्सकों ने भी ठंड से बचने की हिदायत दी है। डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि आजकल का मौसम बुजुर्ग और बच्चों के लिए नुकसानदायक है। इस मौसम में हार्ट और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, जिसके लिए गर्म वस्त्र से शरीर को बचाना जरूरी है। बहरहाल सूर्य के बादलों के साथ आंख मिचोली का लोग खूब आनंद उठा रहे हैं। टीम सीएमएन, सब जो इस मौसम में आजकल किस तरह के तो मरीज आ रहे हैं, और आप क्या हिदायत देंगे ठंड से बचने के लिए? जी, आजकल के जो मौसम में, जिस मौसम में सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं हो रहे, आजकल ठंड के पेशेंट काफी आ रहे हैं। इसमें बड़ों में खांसी जुकाम, छोटे बच्चों में निमोनिया के ऐसे बच्चे काफी आ रहे हैं, और बड़ों में सांस के पेशेंट काफी संख्या में आ रहे हैं और हार्ट डिजीज के पेशेंट भी इसमें आ रहे हैं। ऐसे समय में हमें बच्चों को ठंड से बचा के रखना चाहिए, उनको कैप मोजे पहना के रखने चाहिए, बड़ों को भी जहाँ तक जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर निकलें तो पूरा शरीर को ढक के ही निकलें। ठीक, धन्यवाद। मौसम कैसा है? मौसम ऐसा है कि सूर्य जो है एक प्रकार की आँख में थोनी कर रहा है, कभी अपना तेज प्रकाश जाहिर कर रहा है तो कभी बादलों की छाया में लुप्त हो जाता है। इसी आँख मोचनी के दौरान में हो सकता है बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, बूढ़े भी बीमार भी हो सकते हैं, तो ये मौसम का जो नज़ारा है ये दर्शनीय है, परंतु ये शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। मौसम की अगर बात की जाए तो हवा जो है मध्यम दर्जे की है, न उच्च स्तरीय है न निम्न स्तरीय है।
इससे किसानों और फसलों को जो है, फसलों को तो विशेष करके लाभ होगा, लेकिन जानवरों को इससे हानि होने की संभावना है, क्योंकि ठंड के अंदर पशु जो है, जो दुधारू पशु हुए हैं, उनकी दूध की मात्रा कम हो जाती है सर्दी की वजह से। धूप निकलने से ऐसा होता है, जो शाम की जो ठंड है वो कम हो जाती है, और ये विशेष करके फसल के लिए भी लाभदायक है और दुधारू पशु दोनों के लिए लाभप्रद है। बचाव की बात की जाए, कैसे तो लोगों को गर्म वस्त्र पहनने चाहिए, फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, और खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को इस मौसम में खास ध्यान रखना चाहिए। कभी बादलों में छिप रहा है, कभी निकल रहा है, मतलब क्लियर नहीं है मौसम। हाँ, एक बार कई बार तेज धूप आ रही है, कई बार बादल छा रहे हैं, तो एक बार और जो हवा चल रही है उससे शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। मौसम में बदलाव तो आया है, अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। कई बार तो धूप ऐसे तेज हो जाती है, जैसे गर्मियों में तेज सुबह सुबह जो धूप निकलती है, सर्दियों में भी दिन में वैसी धूप हो जाती है, और दिन भर एकदम से धूप रहेगी और शाम को हवा चल पड़ेगी तेज और ठंडक हो जाती है। ठंडक भी ऐसी जैसे ठिठुरन टाइप हो जाती है ठंडक, वो ठंडक। और कई बार तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि दोपहर के टाइम पे सूरज इस तरह से लाल हो जाता है जैसे कि अंगार की तरह से जल रहा हो। तो मौसम के अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अब हर तरह से देखें तो बदलाव तो लगातार आ ही रहा है, चाहे वो प्रदूषण की देन है या चाहे किस प्रकार का मौसम है। गर्मी से कितनी सर्दी से कितनी निजात मिली है संक्रांत के बाद? संक्रांत के बाद कोई खास नहीं मिली है, शाम को ठंड अच्छी हो जाती है। भिवानी के अंदर अगर हम मौसम की बात करें तो भिवानी के अंदर मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, कभी धूप आ जाती है, कभी तेज हवाएं चल पड़ती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश का मौसम हो जाता है। खासकर ये मकर संक्रांति के बाद ये चेंजिंग आई है, और इससे जो है ना छोटे बच्चों पे तो काफ़ी बुरा असर पड़ेगा इस ठंड का, क्योंकि बार बार मौसम बदल रहा है और ये काफ़ी नुकसानदायक है छोटे बच्चों का। क्या नाम जी? मेरा नाम नवदीप है जी। वहीं यूपी के बिजनौर में एक रिक्शा चालक की ट्रेन से टक्कर होकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बीमार था और वह घर से लापता था। घर वालों ने मृतक को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। वहीं आज उसका शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अपनी आगामी जाँच शुरू कर दी है। इसका हमें डर बना रहता था ताकि घर पे किसी से झगड़ा ना करे या बस्ती में किसी से झगड़ा ना करे, तो अपना हमने इनकी रिक्शा घर खड़ी करा दी थी। और ये जब से इनके दारू छूटी थी, जब से इनका दिमाग मतलब परेशान होता था, हलचल मची रहती थी कि मतलब मुझे दारू लाओ दारू लाओ, तो हमने दारू को ये कह दिया था कि आपका हम इलाज कराएंगे देहरादून से। जो मानसिक रोग वाले दिमाग के डॉक्टर हैं विनीत कुमार, देहरादून रहते हैं, वो दिमाग की इलाज करते हैं। रात कहाँ थे? रात तो करीबन 3-4 बजे हमें गेट खुला हुआ मिला घर का, तो घर से अपना देखा तो हमने ये नहीं मिले हमें। सुबह हमें 8 बजे करीब खबर आई कि किसी ने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा वहाँ लाइन पर पड़े हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। सिद्धार्थनगर के इटवा में योगी मोदी समरसता भोज का आयोजन किया गया। विधायक सतीश द्विवेदी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह, विधायक श्याम धनी राही समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं विधायक सतीश द्विवेदी ने कहा कि यह आयोजन सबका साथ सबका विकास समरसता के लिए किया गया है। जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है 2019 में, मुझे लगता है कि जो निर्णय होगा वो हमारे पक्ष में होगा, हम 72 सीट से कम नहीं आएंगे। हमने इस कार्यक्रम को नाम दिया है मोदी योगी समरसता भोज। उसके पीछे कारण यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के बनने से पहले ही उन्होंने देश को एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और उस नारे के पीछे जो उनका संदेश था वो ये था कि इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, कि हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक के कारण जो राजनीति करती है उसके नाते देश का विकास पीछे छूट जाता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेंगे, हम पूरे देश को साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे। और योगी जी तो उस गोरक्षपीठ की परंपरा से जुड़े हैं,
जहाँ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमेशा कैसे संपूर्ण समाज एक रस हो, सब आपस में समरसता हो, मिलकर रहे हैं, तो ये दोनों स्वयं में समरसता के एक प्रतीक हैं, इसलिए उन दोनों के नाम से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर समरसता भोज का आयोजन किया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN।